क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां वरुण भाई के लिए। वरुण भाई थैंक यू फॉर मेकिंग इट, थैंक यू अमर सर। दिनेश सर एक बार दिनेश जी के लिए जोरदार तालियां। ऐसा प्रोड्यूसर ना हो तो ऐसी फिल्में ना बन पाए यार, क्या बात है, कमाल है। कैन वी टेक द सेंटर स्टेज थोड़ा इधर दोस्तों, फैबुलस। जैसे कि आप सबने इनको परफॉर्मिंग परफॉर्म करते हुए देखा ओपनिंग सेरेमनी पे, तो वरुण भाई कैसा लग रहा है इफी की ऑडियंस के सामने आके? पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है इतने लोगों को एक सिनेमा हॉल में देखते हुए, बहुत ही अच्छा लगता है। दो साल पैंडेमिक के वक्त तब हमें ये जो चित्र था दिखा नहीं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाउ आर यू लाइकिंग द फिल्म राइट नाउ गाइस? या प्लीज स्प्रेड द वर्ड। एंड जैसे कि इन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रोड्यूसर नहीं है डीनो की तरह होल्ड बैक समथिंग सो क्रेजी एंड वाइल्ड लाइक अमन्स विजन। अमर ने इतनी मेहनत की ये फिल्म बनाने में और ये फिल्म अभी बाहर है एंड आई होप यू आर लाइकिंग इट। इट्स नॉट, मुझे पता है कि हमारी यूजुअल जो सिनेमा है उसकी तरह नहीं है, कुछ और है, तो बहुत मेहनत गई इसमें। मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ जो पुट्रे कर रहा है इनका विजन, पर पूरा का पूरा मेहनत, पूरी की पूरी मेहनत, पूरा विजन इनका ही है। शुक्रिया। बस ऐसा था कि कुछ अलग करने की सोच रहे थे कि हम बहुत हो गया रैंडम, एक कहानी होती है हीरो हीरोइन वैसी वाली, कुछ अलग नया कुछ करने की सोच रहे थे। तो बातों में मैं राइटर और मेरे बीच में आया कि कुछ इस तरीके से बनाएं क्या, एंड देन बातों में करते करते यहाँ तक पहुँच गए। अभी सेकेंड हाफ देखोगे तो आपको पता चलेगा कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। दिनेश सर आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह के विजन को बैक करने के लिए भी बहुत जिगरा चाहिए, और आपने तो हम शुरू से जानते हैं बहुत जिगरा है। प्लीज टेल अस मोर अबाउट दिस एंड द जर्नी। आई थिंक भेड़िया फॉर इंडिया इज अ फर्स्ट ऑफ मेनी। अभी आप तक पिक्चर बहुत बाकी है, मोस्ट ऑफ द मैड स्टफ इज इन द सेकेंड हाफ, बट आई थिंक द वे अमर हैज एग्जीक्यूटेड इट, the way Varun has performed it, and the VFX are done by a company called MPC, which have done Jungle Book, Lion King, and I think the audience post the pandemic wants world-class quality, but like an Indian story. So as it unfolds, you'll realize this doesn't get more Indian than this, and the quality when you see in the second half especially, it's world-class. It's not just good for India, because India wants to be world class. So I think that's the kind of film it is. I'd like to thank Ravindra Bakarji for having us, and it was we met the first time and he said, you know the film was still 2 months away, and he said you should come here, and we're here, and obviously everybody at IFFI and the ministry, and we're just really really happy to be here. Also, I don't want to take too much time because अभी interval हुआ है, आप इनको समोसा चाय पॉपकॉर्न कुछ तो दीजिए। अच्छा फेस्टिवल में अलाउड नहीं है क्यों, सब डाइट पे है? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वरुण भाई, अगर आप गोवा में है तो बियर दीजिए। बिल्कुल, क्या हम एक भेड़िया पोज कर सकते हैं दर्शकों के साथ जाके? चलें, आर वी एक्साइटेड गाइस? ऑलराइट वरुण भाई, गिव इट अप फॉर वरुण धवन एंड जनरल, लेट्स चीयर फॉर द मेगा स्टार, फॉर द भेड़िया हिमसेल्फ, एंड ही विल रेप्लिकेट द भेड़िया पोज अलोंग विद ऑल ऑफ यू। तो आप सबको वरुण भाई का साथ देना है, और 1 2 3 पे करेंगे हम सबको, 1 2 3 पे हाउल करना है। सो 1 2 3 थैंक यू गाइस, थैंक यू गोवा, प्लीज एंजॉय द रेस्ट ऑफ द मूवी। बहुत मेहनत गई जैसे कि मैंने कहा बनाने में, प्लीज एंजॉय, आपको आपका मनोरंजन होगा होपफुली। इंटरवल में कुछ खाना भी देगा आपको रविंदर जी, प्लीज इनको खा इधर हाल ले लीजिए। I would request Varun bhai, Amar sir, Dinesh sir to please join me back on stage once for the felicitation ceremony, and I would request the festival director and the managing director of NFDC, Shri Ravindra Bhakarji, to present some mementos from the IFFI side to the cast of Bheria. I would request Varun bhai to join me back on stage, Ravindra sir. And also,